बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आबिद इस्माइल एक स्टॉक के साथ हाजिर हुआ हूँ जो इसकल बड़ा लाइमलाइट में है आईपीपीस के टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट के हवाले से। तो शुरू में ये दो पावर प्लांट जो है उनका नाम आया है, एक तो है लालपीर पावर और एक हपको का। तो हपको के बारे में काफी क्वेरीज मुझे मिल रही थी कि इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएं। तो मैंने पहले भी एक छोटा सा मैंने ये बना के जो है शॉर्ट ग्राफ में मैंने शेयर किया था इसका एनालिसिस, उसके एक मैंने एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था जिसमें 110 रुपए के अराउंड जो है वो एक ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट नजर आ रही थी, उसको भी उसने ब्रेक किया है। अब जो है इसकी क्लोजिंग जो आई है वो 106.90 रुपए के अराउंड आई है और इसने जो लो किया था वो 101.40 रुपए में। अच्छा, एक मैंने सोशल मीडिया जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ट्रेड अलर्ट, उसमें मैंने कहा भी था कि ये 101.40 रुपए में अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है। अगर हम ये मैं डे ऑन डे बेसिस की बात बता रहा हूँ तो कल के दिन की अगर बात करें तो 58 मिलियन हाईएस्ट एवर वॉल्यूम, अगर जब से ये नीचे आया देखें ये डेली बेस पे देखें तो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छे वॉल्यूम से यहाँ पे ये नीचे आया है 58, मतलब समझे काम जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो तकरीबन 3 to 4 मिलियन तो जो वो ट्रेड हुआ है वो मतलब समझे बाई हुए है। ऑब्वियसली सेलर था, सेलर के अगेंस्ट में देखिए हमेशा याद रखें जब सेलिंग आती है तो सेलर के अगेंस्ट में हमेशा बायर होता है, तो उस वक्त जो वो सेलिंग आ रही थी जो अगेंस्ट उसके अगेंस्ट में जो बाइंग हो रही थी जो मैंने ऑब्जर्व किया जितनी देर में तकरीबन समझे 10-15 मिनट के अंदर जो है वो 4 लाख जो है वो वहां से ट्रेड हो चुका था लोअर लॉक पे। फिर उसके बाद ये लॉक खुला है और फिर जो है इसने क्लोजिंग दी है 106.90 रुपए। तो अच्छे यहाँ पे साइन है अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा इसको ये आपके साथ शेयर कर लूं। पहले तो मैं टेक्निकली आपको बता दूं कि देखें यहाँ पे ये इसका जो RSI है डेली पे 22 पे आ गया है, मतलब समझे 40 के नीचे आ गया तो ये ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है, ठीक है। प्लस वीकली में भी देखें तो 28 में, मतलब डेली पे वीकली पे दोनों पे ये ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि देखें यहाँ पे ये प्राइस नीचे आई है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे डाइवर्जेंस है वॉल्यूम पे, ठीक है ना। वीकली पे देखें कितना अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे बना है, ठीक है। वीकली पे देखें तो ये तकरीबन 65.9 मतलब 66 मिलियन का अराउंड पे देखें तो अराउंड 66 मिलियन के जो है यहाँ पे इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ है जो कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, ठीक है। दैट मीन्स के डाउन साइड पे जो है वो बायर एक्टिवेट हुए हैं और वॉल्यूम अच्छा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और प्लस CPR लेवल ये मैंने डेली का बनाया हुआ है, CPR लेवल डेली पे भी जो है मैंने आपको बताया था 110 रुपए का जो ट्रेंड लाइन था, ऑब्वियसली वहां पे विक बन रही थी, 109 पे भी विक बन रही थी, 110 पे भी विक बन रही थी, जो असल में बाइंग आ रही थी वो आप देखेंगे तो 111 के अराउंड आ रही थी, 111.66 रुपए का CPR लेवल है और इसके नीचे नीचे 111 रुपए के अराउंड जो है वहां बाइंग आती थी। और इसके अलावा फिर यहाँ पे देखें यहाँ फिर हमने रिजेक्शन विटनेस किया, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग आ गई, ठीक है, 118.62 रुपए के अराउंड और इसने हाई किया था 119.40 रुपए का। तो यहाँ पे हमने रिजेक्शन देखी, यहाँ पे देखिए ये एरिया जो है मैं आपको बता दूं ये अभी इसमें इसके बीच में ये रिजेक्शन एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया है। हमेशा याद रखें रेजिस्टेंस से घबराना नहीं चाहिए, वहां पे देखना चाहिए कि रिजेक्शन आ रही है कि नहीं, वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आप भी कर रहे हैं, अगर यहाँ पे रिजेक्शन आती है तो आप भी प्रॉफिट टेकेंगे ना, फिर नीचे डाउन साइड पे आप बाय करें। और हमेशा याद रखें कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों टूटने के लिए होते हैं, देखिए जिस तरह सपोर्ट टूटा इसका 111 रुपए का जो CPR का है और 110 रुपए के अराउंड जो है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था वो भी टूटा है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ बता दूं इसका जो नेक लाइन रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली 115.90 रुपए समझ लें या 80 पैसे, इस पे यहाँ पे मैं रेड लाइन दे देता हूँ, ये एक हर्डल है बीच में 115.80 रुपए 90 पैसे ये वाला जो एरिया है, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर फिर ये रिजेक्शन आ रही है तो स्टॉप लॉस के साथ ऑब्वियसली आप काम करें, ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो है वीकली का पिविटल यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये वीकली पिविटल है, वीकली पिविटल सपोर्ट, ये वीकली पिविटल सपोर्ट है, इसको मैं ये कलर दे देता हूँ, ठीक है।
ये वीकली पिवोटल सपोर्ट है 100 रुपए 66 पैसे। अब नीचे भी कोई वीक बन सकती है, इसके नीचे हो ऑब्वियसली वीक बन सकती है। अच्छा इसके लिए मैं अच्छा एक और भी हम चीज लेंगे। सबसे पहले तो हम ये लेंगे जो हमारा मूविंग एवरेज है वो लेंगे हम, ठीक है। ये हमसे हमने यहाँ मूविंग एवरेज लिया, इसको मैंने बाय बाय वैसे तो बाय डिफॉल्ट 9 होता है, मैंने इसको जो है 5 किया हुआ है। ये मैंने आपको बताया भी था कि हाई टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इस वक्त देखिए ये लोअर टाइम फ्रेम में भी जो है ये इसके नीचे ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये देखें सीपीआर लेवल जिसमें 111.66, तो देखें ये यहाँ पे, ये यहाँ पे भी दिखा 113 115, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर अगर ये फिर वापस परफॉर्म करना शुरू कर देता है जो मैंने सीपीआर लेवल बताया टू बी ऑन द सेफ साइड 118.62 रुपए, तो फिर ये मजीद अपसाइड दिखा सकता है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बता दूं इसका हम अगेन, हमने तो ये पिविटल भी निकाल लिया, सपोर्ट यहाँ पर है और यहाँ पे। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे, इसकी सपोर्ट की वजह मैं बताऊं कि है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे टेबल पे आएंगे इसके, फिर यहाँ पे आपको राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ है इन्वर्ट स्केल, इसको आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो स्केल जो है ये इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, हम जैसे टेक्निकली जो जो सीख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा होता है कि देखें यहाँ पे कोई रिजेक्शन आती है, ये मैं वो उसका बता रहा हूँ अपसाइड पे जाने के लिए, तो क्या कहते हैं इसको, कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल, ठीक है। ये साइन देता है स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल का। तो अगर हम इसको उल्टा देखें, जिस तरह अभी हम उल्टा देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल में, ठीक है। वापस हम उसी तरफ आ जाते हैं। ये मैं साफ खाली जो उनके लिए जो सीख रहे हैं, जो टेक्निकल मेरे साथ सीख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने एक चीज डिस्कवर की है जो आपको बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वापस हम उसी की तरफ इसको हटा देते हैं, हम आप वापिस जो है ओरिजिनल चार्ट की तरफ आ जाते हैं, टेबल की तरफ। अच्छा इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, ठीक है, और हम आ जाएंगे लाइन चार्ट की तरफ, ठीक है। लाइन चार्ट के आने की तरफ पहले हम इसको जरा वीकली पे एक नजर डाल लेते, क्योंकि मैं ये वीक एंड हो गया है, ये मैंने डेली इसलिए बताया है कि डेली पे जो है अच्छा सिग्नल दे रहा है और डेली का जो सीपीआर है उसके अराउंड ही, मतलब 106.55 रुपए है, 106 रुपए, मतलब इसको तोड़ा नहीं है। अगर इसके नीचे परफॉर्म करता है तो फिर ये मजीद नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसी की बात करेंगे कि यहाँ पे अच्छी हमें रिवर्सल की बुलिश रिवर्सल का साइन मिल रहा है, और जब तक ये स्ट्रॉन्ग पिविटल सपोर्ट है 100 रुपए 66 पैसे, जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करता है और सस्टेन, हमेशा याद रखें कि ब्रेक के बाद ब्रेकआउट हो या चाहे ब्रेक डाउन हो, उसका उसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है और कंफर्मेशन भी मिलती है मजीद डाउन होने की, तो फिर ये मजीद डाउन आ सकता है, और अगर यहाँ पे इसकी निगेशन मिलती है इसको ब्रेक करने के बाद, तो ये अपसाइड पे मूवमेंट दिखाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम वीकली पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं, ठीक है। वीकली पे भी देखें, जैसा जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरू से, तो उनको मैंने टेक्निकल, जो नए आए उनको भी बता देता चले दोबारा से, इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं 3 ब्लैक क्रोस, ठीक है। यहाँ पे इसने एक ये डोजी बनाया है, लेकिन देखें इसकी डोजी की निगेशन आई है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन टेक्निकली देखें तो ये 3 ब्लैक क्रोस बन रहे हैं बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे अगेन काफी हाई चांसेस हैं कि ये यहाँ पे कोई डोजी बने नीचे। अगर डोजी बनता है तो फिर स्टॉप लॉस के साथ जो मैं कहूंगा जो इसका जो लो बनेगा, हो सकता है यहाँ पे लो बन जाए 97 पे, वो ही आपका स्टॉप लॉस होगा। वो आप देख लीजिएगा, मार्केट देख के, इंडेक्स देख के और स्टॉक को देख के काम कीजिएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्केट का इंडेक्स अपनी जगह है, लेकिन इस स्टॉक को जरूर आप इस प्राइस पे जो है ना, इसको जरूर फोकस कीजिएगा, अपनी वॉच लिस्ट में डालिए और इसमें एक्युमुलेशन इस पे कीजिए, क्योंकि इसकी वजह ये है। चले मैं आपको पहले आपको ये इसके टेक्निकल मैं आपको पहले बता दूं, आप इधर आ जाएंगे वीकली पे, देखिए वीकली पे भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, जैसे मैंने बताया ना हायर टाइम फ्रेम पे ये इसके इसको इसकी रिस्पेक्टिवली चल रहा था, यहाँ इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पर फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाई इसने, ना ये वाला एरिया जो है 153.90, ये जो यहाँ पे इसका ये अगेन रिजेक्शन एरिया बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे रिजेक्शन आई, यहाँ पे भी एक्चुअली रेजिस्टेंस जो है वो इसका नेकलाइन
रेजिस्टेंस 154 रुपए 54 पैसे पर है। यहाँ पे अगेन रिजेक्शन दिखाई। अब यहाँ पे इसके यहाँ पे फिर इसने इस तरफ यहाँ ब्रेक किया। मैं आपको बता दूं इस एरिया पे इसने उसको वापस ब्रेक किया और वापस रिटेस्ट नहीं किया, ठीक है। ये वाला जो है एमए 147 रुपए 74 पैसे, इसके बाद जो ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट नहीं किया, ये स्टॉक वापस नहीं किया, क्योंकि जैसे मैं न्यूज आ चुकी थी आईपीपीस के हवाले से कि भाई इनके प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो रहा है एग्रीमेंट का। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इनको भी 2 साल है, 2027 तक का एग्रीमेंट था और सॉरी 3 साल है, 2 साल ही कहेंगे क्योंकि अब तो ये एंड हो रहा है 2024, तो 2 साल अभी मजीद हैं। और देखें जब कंडीशन जो है आपकी मजबूत हो, क्योंकि आपका तो अभी एग्रीमेंट बाकी है 2027 तक तो कोई भी नहीं, लेकिन प्री मेच्योर टर्मिनेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट कमांड नहीं कर रही है ना ऑर्डर दे रही है कि आप टर्मिनेट करें, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है। अगर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है तो वो गवर्नमेंट की कंडीशन पे टर्मिनेशन नहीं होगी, वो आईपीपीएस की कंडीशन पे टर्मिनेशन होगी। और आईपीपीएस जाहिर सी बात है एक बिजनेस रन कर रहा है, चाहे वो लालपीर पावर हो चाहे हपको पावर हो, हप पावर हो, तो वो एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन कभी भी अपना लॉस नहीं करेगा, ठीक है। वो अपनी कंडीशन रखेगा जिसमें उसका प्रॉफिट होगा। तो लालपीर की अलग से मैं बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ हप पावर की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है इनकी कंडीशन पे ही टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट होगा, तो कंडीशन जाहिर सी बात है इनकी फेवर में ही होंगी जो भी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी मतलब आप घबराएं नहीं इन प्राइसेस पे, ठीक है। वैसे तो इसकी फेयर वैल्यू मैंने ग्रुप पे शेयर की थी और सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भी शेयर किया था मैंने कि इसकी फेयर वैल्यू 168 रुपए के करीब है। और इसके बिजनेसेस में आपको अगर बता दूं, मैंने यहाँ जो थोड़ी बहुत रिसर्च की है, ठीक है, देखें ये एक इनके नॉर्वल एनर्जी, मैंने आपको पहले बताया था स्पेशली व्हाट्सएप पे कि कॉन्ग्लोमरेट बनने जा रहा है। कॉन्ग्लोमरेट के वो होता है मतलब जैसे एंग्रो वगैरह ग्रुप ऑफ एक कॉर्पोरेशन है, ग्रुप ऑफ बिजनेसेस है। तो देखिए इसके बिजनेस खाली हब पावर नहीं है, नॉर्वल एनर्जी लिमिटेड है ये। आप हब पावर की साइट पे जाएंगे ना, आपको इनके बिजनेसेस पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारे इनके बिजनेसेस जो इनकी सब्सिडियरीज है वो नजर आएंगी, ठीक है। एक मैं आपको और वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ये लारेब एनर्जी है, ठीक है, ये भी हाइडल पावर जो है, सिर्फ ये मतलब उसपे नहीं है थर्मल पावर में, ये हाइडल पावर में भी है, ठीक है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा मजीद। फिर इनका है चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी, ठीक है, ये भी एक पावर कंपनी है। फिर थर कोल पावर कंपनी है थर एनर्जी लिमिटेड के नाम से। फिर है थल लोवा पावर, ये एक और कंपनी है प्राइवेट, ये भी इसकी सब्सिडियरी है हब पावर की, ठीक है। प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी भी इन्हीं की है, ठीक है, इसी की सब्सिडियरी है। फिर एक और है सिंध एनर्जी, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग, ठीक है, ये इनके कोलेबोरेशन है एंग्रो के साथ, ठीक है। फिर है हब पावर सर्विसेज लिमिटेड, ये एक अलग इनकी सब्सिडियरी है। और रिसेंटली आपको सबको पता होगा मेगा मोटर्स में भी इनकी जो है इन्वेस्टमेंट हुई है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मेगा मोटर्स के पास है नहीं, तो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है बीवाईडी जो है गाड़ियों के वाले से। मैं बताता रहता हूँ कि बीवाईडी जो है यहाँ लॉन्च करने वाला है और एग्रेसिवली बिजनेस अपना एक्सपेंड कर रहा है बीवाईडी टेस्ला को टक्कर देने के लिए, उसको कम्पीट करने के लिए। तो एक टफ कॉम्पिटिटर है टेस्ला का और एग्रेसिवली जो है अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। रिसेंटली अभी इसने जुलाई में थाईलैंड में अपना प्लांट लॉन्च किया है और यहाँ पर भी इंशाल्लाह लॉन्च हो चुका है और इसकी प्रोडक्शन जो है बाय द बिगिनिंग मतलब फरवरी जनवरी फरवरी में जो है इसकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी, बीवाईडी की यहाँ पे असेंबलिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी, काफी उम्मीद है थ्रू मेगा मोटर्स। तो ये चीजें हैं और इनके जो मैं आपको बताता भी रहता हूँ जो वेरियंट आ रहे हैं मुख्तलिफ जो दूसरी गाड़ियों को कम्पीट करने वाले हैं। फॉर सपोज साजगार को ये बहुत अच्छा कंपटीशन देगा, जब ये टेस्ला को दे रहा है तो साजगार को भी अच्छा कंपटीशन देगा, इवन इंडस मोटर को भी अच्छा कंपटीशन देगा डाले के हवाले से, जो आजकल आपकल बड़ा मशहूर है डाला डाला बोलते हैं, वो एक्चुअली डबल केबिन इनकी जो है पिकअप है रेवो के नाम से, रेवोल्यूशन एक्चुअली उसको हम शॉर्ट फॉर्म में रेवो बोलते हैं, तो वो है उसको कम्पीट कर सकता है जो उन्होंने अभी बीवाईडी की शार्क जो मैंने अभी वीडियो शेयर की थी तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, एक वेरिएंट ये भी आया इनका, तो ये बड़ा टफ कंप्यूटर साबित हो सकता है। तो इसकी अगर सेल बढ़ती है तो आने वाले दिनों में हब पावर जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसका स्टॉक जो है अच्छी प्राइस में आपको जम दे सकता है। तो ये सब चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है। बात वापिस हम आ जाते हैं टेक्निकल की तरफ। तो टेक्निकल में जैसे मैंने आपको वीकली बताया कि बहुत बड़ी कैंडल हुई है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है,
अब यहाँ पे हम थोड़ा लाइन चार्ट की तरफ आ जाएंगे, लाइन चार्ट से हम उसको समझेंगे। हम यहाँ पे भी वीकली का, जैसे मैंने आपको पिविटल बता दिया इसका 100 रुपए 66 पैसे है, और हम इसके भी ट्रेंड लाइन भी निकालेंगे यहाँ से। ये देखेंगे ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से हम क्रिएट करेंगे ट्रेंड लाइन, ये हम लेंगे। अच्छा वीकली पे इसलिए बोल रहा हूँ मैं, पहले ट्रेंड लाइन बना लूँ फिर आपको बता दूँ। लाइन चार्ट इसलिए मैं लेता हूँ कि जो नॉइज है वीक की वो क्लियर हो जाती है आपको, जो एक्चुअल प्राइस है जहाँ पे वॉल्यूम बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे जिस रेट, अब जैसे वीक बना, फॉर सपोज मैं अभी यहाँ बना रहा हूँ 123 रुपए से, हो सकता है 125 रुपए 30 रुपए भी गया, लेकिन वहाँ वीक बनती है कम वॉल्यूम के साथ, ठीक है, और वहां पे सेलर भी एक्टिवेट होता है। एक्चुअल जो प्राइस है वो यही है सेलिंग की, यहीं पे वो हैवी वॉल्यूम से सेलिंग आ रही होती है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ये मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या टच किया है, मैंने एक ये टच किया है और एक ये टच किया है, ठीक है ना। अब आप जाते हैं कैंडल चार्ट की तरफ, ये देखें यहाँ पे विक भी बनी ऊपर, यहाँ पे भी विक बनी, तो एक्चुअल जो थी वो यही इसकी रेजिस्टेंस। अगर आप नीचे की तरफ आए, नीचे से अगर ये स्टॉक शुरू करें, 83 से ले लें, कहीं से भी ले लें, 80 से ले लें, तो ये यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा था, ठीक है, जो कि ये एरिया बनता है। मैं आपके साथ अभी भी शेयर कर दूं, रिजेक्शन एरिया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और ये इसका अभी भी रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये वाला। ज्यादातर हम लाइने ले लें, ये ले लेते हैं, ज्यादा लाइने टच होंगी तो हमको पता चलेगा ज्यादातर सेलिंग कहाँ आ रही है, ठीक है। ये इसका रिजेक्शन एरिया था 124 रुपए 46 पैसे, इसको इसने ब्रेक किया, फिर ये इसने जो हाई किया है उसने 169 का किया, लेकिन एक्चुअली जो था वो 167 रुपए था। मैं जैसे अभी लाइन चार्ट के हिसाब से बता दूं, ये वाला एरिया था 163 रुपए, ठीक है, ये एरिया इसका रेजिस्टेंस एरिया था। मैं यहाँ पे जो है ये आपको मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। जैसे वीकली में मैंने आपको बताया कि अभी RSI जो है वो 28 पे आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका जो है वो भी ले लेते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट अभी ये वीक खत्म हुआ, तो नेक्स्ट वीक में समवेयर अराउंड ये समझ लें ये 98 रुपए 99 रुपए, ये मैं यहाँ पे यहाँ, बल्कि हमको देखें इसकी सिंक्राइजेशन जो है वो प्राइस सेशन के हिसाब से ही बन रही है। देखें वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ये प्राइस सेक्शन, ठीक है ना, प्राइस सेक्शन जो है वो बता रहा है। जैसे ये इसने 23rd ऑफ अक्टूबर का जो वीक है उसमें इसने जो हाई किया था वो 98 रुपए 55 पैसे, यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ इसके अराउंड, ठीक है, ये 98 रुपए 78 पैसे 55 पैसे, और ये देखें तो ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी, वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वीकली पिविटल सपोर्ट और प्राइस एक्शन सपोर्ट, तो यहाँ पे जरूर बाय करना है, ठीक है, क्योंकि आप इस लेवल पे पैनिक आ रही है। वो जो कल जो था फ्राइडे वाले दिन जो लोअर लॉक लगा था वो पैनिक क्रिएट करने के लिए गया था, जो भाई बहुत से सोशल मीडिया पे आवाजें भी आ रही थी, मैं काफी ग्रुप में हूँ लेकिन इतना एक्टिव नहीं हूँ, कभी कभी देख लेता हूँ दूसरे ग्रुप में भी, तो उसमें कुछ 80 रुपए की आवाजें आ रही थी, जो कि मैं बता रहा हूँ ये यहाँ पे ये एक्चुअली सपोर्ट जो वो बन रही है नेकलाइन सपोर्ट वो 77 रुपए 90 पैसे, बल्कि हम इसको ले लें वो 80 रुपए के अराउंड है, 79 77 के अराउंड, तो लोग इसको कह रहे हैं कि ये हो सकता है आ भी जाए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि RSI बहुत लो है और यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हैं। और अगर आता है तो आप देखें ना, हमेशा लोअर साइड कुछ कोई अच्छा स्टॉक आता है, आपको याद होगा मैंने PSO का भी मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्पेशली व्हाट्सएप पे कहा था, जब ये 100 रुपीज के अराउंड आया था PSO, तब मैंने जब ये डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थी मुल्क की, तो मैंने कहा था PSO लेके रख लें आप 100 रुपए में, 99 का आई थिंक 98 99 का लो गया था, मैंने कहा 100 रुपए में बहुत अच्छा आ रहा है, ये वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है PSO वाला ही, ठीक है। तो अब देखें आपको पहले भी इसने 216 का हाई किया, फिर वापस दीजा है, फिर अभी फिर उसने 210 रुपए 11 रुपए का फिर अभी रिसेंटली हाई किया है। तो ऐसे स्टॉक जो है जिनकी फेयर वैल्यू अच्छी हो, जिनकी जो डिविडेंड ओरिएंटेड हो, देखिए डिविडेंड अभी 8.5 रुपए दिया, इससे पहले जो इसने 2.5 रुपए दिया, फिर इसने जो है 4 रुपए दिया, इससे पहले 5 रुपए, डिविडेंड हिस्ट्री भी है, मतलब अगर आगे प्राइस नीचे भी आ जाती जहां से आपने लिया है तो आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, तो इससे अच्छी क्या बात है कि आप एक डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है, तो यहाँ पे सेल करने का मैं तो समझूंगा यहाँ से आप बाइंग स्टार्ट शुरू कर दें। सेलिंग एरिया जो था वो ये था 768, जो इसका फेयर वैल्यू था उसको उसने टच किया है और नीचे आया ये, तो अपनी फेयर वैल्यू पे तो आ चुका था ये,
मैंने पहले भी कहा था कि फेयर वैल्यू अपनी दिखा चुका है ये, तो डाउन साइड पे बाइंग बनती है, ठीक है? तो अब ये स्ट्रॉन्ग बाय, मैं आप अपना डिसीजन आप खुद लें, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप ये इन एरियाज पे आप बाय करें, ठीक है? 80 रुपीज आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बोलता 80 रुपये आ जाए तो आप बोले वेरी गुड, आप 80 रुपये ले आए, मैं खरीदार हूँ बैठने के लिए, तो इसको बाय करना चाहिए, मेरे रिकमेंडेशन ये। बाकी अपना डिसीजन आप खुद लें, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, और मैंने आपको इसकी वजूहात भी बता दी, ठीक है ना? मैंने कोई ऐसा, जिस तरह कहते हैं ना आप, ये उठा लो ये इतना हो जाएगा, घर बेच दो, सोना बेच दो, ये मैं वो वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स हैं उस पर डिपेंड है सारी बातें, मेरी जो व्यूज है, मेरी रिसर्च है, उसके हिसाब से मैंने जहां भी आपके साथ शेयर किया कि ये कॉन्ग्लोमिरेट बनने जा रहा है एक बहुत बड़ा। आप छोटी सी मिसाल ले लें, अगर आप एक दुकान आपकी है और मैं अगर आपको कहूं कि अपनी दुकान खत्म कर दो, तो आप बोलोगे ना भाई क्यों, मैं अपना चलता बिजनेस क्यों खत्म करूं? तो आप अपनी कंडीशन रखोगे भाई ठीक है, आप मुझे इतने करोड़ रुपए दो तो मैं दुकान खत्म करूंगा। फॉर सपोज आपकी 1 करोड़ की आपका कैपिटल, आप मुझसे कहोगे मुझे 5 करोड़ दो, जाहिर सी बात है मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ ना, आपको तो दिल नहीं है, तो अब इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है वो कैसे खत्म हो जाएगा? क्योंकि मैं बहुत से ग्रुप में देख रहा हूँ पावर खत्म हो जाएगा, फिर कैसे खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये मतलब बेवकूफ़ी, मैं तो समझता हूँ कि ये रिडिकुलस बातें हैं कि खत्म हो जाएगा पावर, ऐसी बात नहीं है। डाउन साइड पे आप इसको है एक्यूमुलेट करें, और डिविडेंड के लिए आप रखें, ऑब्वियसली इसको पोर्टफोलियो में आप रखें अपने। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।